हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। गाइस अड्डे ऑटोमोबाइल इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यामा FZS वर्जन 4 न्यू मॉडल के बारे में। यामा कंपनी ने 2021 सितंबर में R15 V4 को लॉन्च किया था, उसके कुछ टाइम बाद R15S वर्जन 3 को लॉन्च किया था और अब 2022 में M2 वर्जन 2.0 न्यू मॉडल को लॉन्च कर दिया है। एंड अब बारी FZS वर्जन 4 न्यू मॉडल का। यामा कंपनी ने FZS वर्जन 3 को 2019 में इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। कम से कम 4 साल से ऊपर हो गया है। यामाहा कंपनी ने अपने बाइक को 4 साल के बाद टोटली चेंज कर देता है न्यू लुक में और अब बहुत ही जल्द FZS वर्जन 4 न्यू मॉडल को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। FZS वर्जन 3 में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे। बाइक के अंदर न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स के साथ सिंगल चैनल ABS आ गए थे, लेकिन गाइस अब इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन न्यू देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आप कोई 150cc बाइक परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। और गाइस आप इस चैनल में पहली बार हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि गाइस कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक का चेंजेस के बारे में। FZS वर्जन 3 के अंदर सबसे बड़ी कमी है इस बाइक का पावर। 150cc सेगमेंट हिसाब से इस बाइक का पावर काफ़ी कम है और इसीलिए इस बाइक का सेल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। करेंटली FZS वर्जन 3 के अंदर 12.4 PS मैक्सिमम पावर एंड 13.3 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है विद 5-speed गियरबॉक्स के साथ। लेकिन गाइस न्यू FZS वर्जन 4 में पावर में इंक्रीज किया जाएगा। अपकमिंग FZS वर्जन 4 के अंदर 149cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विद 5-speed गियरबॉक्स सेटअप दिया जाएगा। अपकमिंग FZS वर्जन 4 में न्यू प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प के साथ LED डेल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यू FZS वर्जन 4 के अंदर न्यू कलर के साथ न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से न्यू FZS वर्जन 4 का लुक काफ़ी एग्रेसिव होगा। न्यू बाइक के अंदर सिंगल पिच सीट होगा लेदर फिनिश के साथ, जिसकी वजह से सीट पहले से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। न्यू बाइक के अंदर LCD डिजिटल मीटर कंसोल के साथ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर किया जाएगा। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, सस्पेंशन बिल्कुल सेम होगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में मोनोशॉक देखने को मिलेगा एंड इस बाइक का टायर साइज भी बिल्कुल सेम रहेगा। गाइस अभी हम इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें, FZS वर्जन 4 का प्राइस 5000 रुपये ज़्यादा होगा। FZS वर्जन 4 का एक शोरूम प्राइस 123000 रखा जाएगा। गाइस अभी हम इस बाइक का लॉन्च के बारे में बात करें, जुलाई से अगस्त का बीच में इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल गाइस वीडियो अच्छी नहीं है। यामा FZS वर्जन 4 न्यू मॉडल के बारे में जानकारी आपको कैसे लगा और आप इस बाइक के लिए वेट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और आप इस चैनल पर पहली बार हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि गाइस न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।